में आपकी राय, आपके सुझाव, बेसिक चीज ये है। लोकेट करते हैं तो जिस वार्ड का जिस सेंटर का जो सुपरवाइजर है उसको वो लोकेट होता है। अभी मॉर्निंग में लगभग सुबह मॉर्निंग 7 बजे लोकेट करती हुई, उसके बाद भी 3 और नई शिकायतें आई जिसको मुझे अभी लोकेट करना है। तो शिकायत करने के बाद 4 घंटे का समय मिलता है, इस बीच में हमें लोकेट करना होता है और फिर 4 घंटे के बाद 12 घंटे का हमें उसका निस्तारण के लिए हमें समय मिलता है। तो लगभग 24 घंटे तक का हमें समय मिल जाता है। तो मतलब कहा जाता है कि 24 घंटे में इसका विस्तार कर रहे हैं। पूरे देशव्यापी प्रचार प्रसार हो रहा है इसका स्वच्छता। तो स्वच्छता में ये करते हैं कि आप स्वच्छता ग्राही बनिए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और शहर को स्वच्छ रखेंगे। कोई भी इसको डाउनलोड करके रख सकता है, जरूरी नहीं कि उसकी शिकायत हो तभी करें, वो अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करके रखें। इससे होगा क्या कि एक तो जागरूकता कि भाई मेरे पास स्वच्छ ऐप है, शहर में जितने लोग स्वच्छ ऐप इस्तेमाल करते हैं और जब उनको समस्या हो तो वो अपनी ऐप खोलें और उसका समस्या की स्थान पर खड़े होकर अपना GPS ऑन करके जो कि उनकी लोकेशन में जाएगा ये शिकायत जो उनके समस्या है वहाँ पे है, वहाँ पर खड़ा होके और उसकी उसमें फोटो सफाई जब आप शिकायत डालते हैं इसके लिए दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। एक है उनकी लोकेशन और दूसरी है जो गंदगी है जो भी आपकी समस्या है उसकी फोटोग्राफ। ये दोनों ही इसके लिए ज़रूरी है। ये अपने आप आपकी लोकेशन लेता है GPS से और आपको आपको बोलता है फ़ोटो देने के लिए, तो आप इसमें फ़ोटो डालिएगा और जैसे ही आप इसको मतलब जैसे आप इसमें कंप्लेंट डालते हैं हमारे पास आते हैं, हम सुपरवाइजर को दे देते हैं, सुपरवाइजर उसका निस्तारण करके इसकी एक दूसरी ऐप है जो ULB के इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, वो स्वच्छता ऐप इंजीनियर ऐप है, वो हम यूज़ करते हैं। जब वो निस्तारण हो जाता है तो हम उस ऐप से उसको निस्तारण करने के बाद फोटो डाल के उसको निस्तारण करते हैं। हम चौमुखी प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जनता को इसके लिए जागरूक करने के लिए प्रयास किया है, हमने अखबारों में संदेश दिया है कि जनता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमने फ्लैक्स लगाकर जनता को इन सब बातों की जानकारी दी है, होर्डिंग्स लगाए हैं और एक स्वच्छता ऐप जो कि सरकार ने नया डेवलप किया है उसके बारे में हमने सभी ग्रुप्स को जानकारी दी है। स्वच्छता ऐप में कोई भी नागरिक अपने मोबाइल फ़ोन से यदि कहीं उसको गंदगी या स्वच्छता से संबंधित कोई भी समस्या लगती है तो स्वच्छता ऐप में डाल सकता है और स्वच्छता ऐप में एक निर्धारित समय सीमा में हमें उस समस्या का समाधान करना होता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं अपनी पूरी टीम को जागरूक करके कि उस समस्या का समाधान हम समय पर कर सकें। सभी नागरिकों से, सभी जागरूक जो हमारे बंधु हैं उनसे मेरी अपील है कि अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और कहीं भी उनको यदि स्वच्छता संबंधित कोई भी शिकायत, कोई समस्या दिखती है तो हमें इस पर वो जानकारी दें, इस पर फ़ोटो अपलोड करें। हम कोशिश ये करेंगे कि जितना जल्द हो सके हम उस समस्या का समाधान करें। इसमें आप कचरे की समस्या भी बता सकते हैं, नाली ओवरफ्लो हो रही है उसकी समस्या भी बता सकते हैं, यदि कहीं मृत पशु पड़ा है उसकी समस्या बता सकते हैं, अनेक इसमें ग्रुप हैं उसमें आप अपनी समस्या बताएं। आप अपनी समस्या बताएंगे तो हमें पता चलेगा, हम उसका निदान करेंगे, निदान करने की कोशिश करेंगे और जितना हम निदान करेंगे उतने नगर परिषद के नंबर बढ़ेंगे। स्वच्छता ऐप भी हमारे निर्धारण का एक आधार है कितना हम अच्छा काम कर रहे हैं। स्वच्छता ऐप में भी हमारे अच्छे नंबर होंगे तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण जनवरी में शुरू होने वाला है उसमें हमारे अच्छी रैंकिंग आएगी। हम ये अपने आप को बताकर संतुष्ट हो सकेंगे कि हमने अच्छा काम किया सबने मिलकर और हमारा नंबर पिछले साल से इतना ऊपर बढ़ा। इसके लिए हमने प्रयास किया है, एक हम प्रयास कर रहे हैं नाइट स्वीपिंग का, कुछ जल्द ही 1-2-3 दिन में ही हम
जो वाणिज्यिक क्षेत्र हैं उनमें नाइट स्वीपिंग शुरू कर रहे हैं। एक हमने प्रयास ये किया है कि जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी सफाई रोज़ हो। पिछले काफ़ी समय से उनकी सफाई रोज़ नहीं हो पाती थी, तो उसमें मैंने अतिरिक्त संसाधन दिए हैं और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई जो है वो रोज़ करने का हम प्रयास करेंगे। यदि जनता को सार्वजनिक शौचालय साफ़ नज़र नहीं आए उसकी भी वो हमें कंप्लेंट करे स्वच्छता ऐप पर, तो हम उसको भी और ध्यान देकर साफ़ करवाएंगे। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने स्तर से कर रहे हैं। मेरी सभी लोगों से जो नगर परिषद क्षेत्र में रहते हैं अपील है कि स्वयं जागरूक हों, मोहल्लेवासी को जागरूक करें, नगर परिषद में रहने वाले हर व्यक्ति को जागरूक करें कि कचरा सड़क पर ना डालें। हमने रूट बनाकर कचरा इकट्ठा घर घर से करने वाली गाड़ियां लगाई हैं। वाणिज्यिक क्षेत्रों में बाजारों में भी हमने दो समय गाड़ियां भेजने की व्यवस्था की है, सुबह गाड़ियां जाती हैं, शाम को जाती हैं। बाजार क्षेत्र के लोग भी अपनी दुकानों के ऊपर डस्टबिन रखें और उस डस्टबिन में इकट्ठा किया हुआ कचरा सीधा गाड़ी में डालें। यदि सड़कों पर कचरा हम नहीं डालेंगे तो शहर को स्वच्छ रखने में, सुंदर रखने में हमें सहयोग मिलेगा। तो आम जन से सबसे मेरा निवेदन है कि शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। निश्चित तौर से हम सख्ती करने में कतई नहीं झिझकेंगे। ये मैं आप लोगों के माध्यम से सबको आगाह भी करना चाहूँगा कि हम निवेदन कर रहे हैं, लगातार काफ़ी समय से निवेदन कर रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए बार बार आपको निवेदन कर रहे हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने स्वच्छता में सहयोग नहीं दिया, उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, तो कानून के तहत हमें जो सख्ती करनी पड़ेगी वो भी हम करेंगे। हमने उनको काफ़ी कुछ इसके बारे में सेंसिटाइज किया है। हर कर्मचारी अब इस बात के लिए प्रयासरत है कि वो अपना जो भी मैक्सिमम है सफाई के लिए दे। सब समय से आने शुरू हो गए हैं और इसके लिए हम जल्द ही जो बायोमेट्रिक सिस्टम अटेंडेंस का वो भी शुरू कर रहे हैं, उससे भी इसके लिए कुछ जो है वो अच्छा पॉजिटिव रहेगा। बायोमेट्रिक मशीन हम सर्किल वाइज करेंगे। सर्किल में जितने भी कर्मचारी हैं वो एक जगह पर इकट्ठा होकर बायोमेट्रिक मशीन में अपने अटेंडेंस देंगे। पहले इसको वार्ड वाइज किया गया था, लेकिन चूंकि वार्ड वाइज हमारे पास में कोई प्रभारी नहीं है इसलिए वो मशीनें अच्छे से उपयोग नहीं आ पाई थी और इसी कारण से वो बंद हो गई थी। हर सर्किल पर हमने एक मशीन रखी है, सारे सर्किल के कर्मचारी उसी में अपना अटेंडेंस करेंगे, अंगूठा लगाएंगे, तो ये व्यवस्था सफल होगी।